सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमरीका, ब्रिटेन, जापान ते इटली दे मंत्री नाल कीती मीटिंग। कई अहम मामले उत्ते कीती चर्चा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वख-वख विभागों के 419 नवे नियुक्त उम्मीदवारों को चंडीगढ़ में वंडे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने नवे नियुक्त उम्मीदवारों को दी बधाई। करोड़ों रुपए की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाली मनदीप कौर ते जसविंदर सिंह नूं कीता गया गिरफ्तार। डीजीपी पंजाब ने ट्वीट राही दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद विच हुई G20 मीटिंग तो इलावा अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, जापान अते इटली दे मंत्रियों अते यूरोपीयन यूनियन दे कमिश्नर नाल दुबली बैठक कीती है। तोमर ने खेती खेतर दे सर्वपक्षी विकास लई इन्हां मुल्कां नाल सहयोग वधाउण बारे चर्चा कीती अते यूरोपीयन यूनियन अते भारत दरमियान संबंधां नूं होर मजबूत करन उत्ते जोर दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि भारत इस खेत्र विच विशेष पहलकदमी कर रहा है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने अमरीकी मंत्री श्रीमती एक्सोचीटल टोरेस समाल नाल चर्चा करदे कहा कि भारत और अमरीका की व्यापक ग्लोबल रणनीतिक भाईवाली है जो लगभग सारे खेतरों नूं कवर करती है। सांझे लोकतांत्रिक कदरां कीमतां ते कई मुद्दों ते हितों का मेल अते जीवंत लोगों तो प्रेरित है। उन्हें कहा कि करोड़ों किसानों अते उन्हां दे परिवारां दी रोजी रोटी का साधन होण करके खेतीबाड़ी भारत सरकार लई फोकस का खेतर है। केंद्रीय मंत्री अते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता नितिन गडकरी ने कहा कि एक नेता ने उन्हें सलाह दी कि कांग्रेस में शामिल हो जाए। इस दे जवाब में उन्होंने कहा कि उस पार्टी का मैंबर बनने की बजाय खूह में छाल मारना पसंद करेंगे। सड़क आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में हुए कामों की तुलना में भाजपा की सरकार ने पिछले 9 सालों में ही देश में दुगना काम किया है। गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरे होने मौके महाराष्ट्र के भंडारा में एक सभा को संबोधन करदे भाजपा अपने काम के शुरुआती दिनों याद किया। पार्टी के हुण तक के सफर को लेकर गल की प्रसंग सुनाया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वख-वख विभागों में 419 नवे नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वंडे। उन्होंने इस दौरान नवे नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई दी और मेहनत नाल काम करने लिए कहा। उन्हें कहा कि असीं जिन्हें भी नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं उन्होंने कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पै रहे क्योंकि असीं कानूनी पहल विचार के ही भर्तियां कर रहे हैं और सूबे के नौजवानों को रुजगार देना साडी तरजीह है। उन्हें कहा कि साडी सरकार की नीयत चंगी है। हुण तक असीं 29,000 तो वध सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। उन्हें कहा कि जिन्हें भी उम्मीदवार अज नियुक्ति पत्र दिए गए ने उन्होंने सब ने अपनी किस्मत आप लिखी है तो सख्त मेहनत की है कि असी हौली हौली सही अंकड़े छोटे छोटे सही असी सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देंदे रहिए ताकि बूंद बूंद नाल सियाने कहिंदे समुंदर भरद है। अज 419 चुल्हे उन्होंने अग जिहड़ी है ओ विकास वल वधूगी। उस घर की कबीलदारी ली ते आऊगी। जिस तरह मंत्री साहब ने कहा कि नौकरी मिलने वाला दिन बहुत वड्डा हुंदा है सो तुहाडी मेहनत तुसी सवेरे उठ के पढ़ाइयां कीतियां मेहनत की घर दियां जिम्मेवारियां भी निभाइयां नाल नाल कंपीटीशन बहुत हार्ड है अजकल हर फील्ड दे विच तुसी उस कंपीटीशन चो पार कीता कंपीटीशन जो पास किया तो अज तुसी इत्थे बैठे हो। मैं सारे बहुत बहुत दिलों बधाइया देना चाहना तय दिलों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद ते मुबारक। अंकड़े जिहड़े ने अज 419 ने इस तो पहला 642 सी उस तो पहला मैं आया सी 270 सी आने वाले दिनों 161 ने शायद बिजली बोर्ड च। इदां क्यों नहीं कदे सोचा
मैं कठिया क्यों नहीं अनाउंस करता कि लो जी 10,000 नौकरी। इहदे एक कारण, इहदा कारण यह है कि असी दो पहलां वालियां सरकारां वांगू नेरे च तीर नहीं मारदे। असी इदू पहलां वालियां वांगू वोटां वाले आखिरी साल च चक के नौकरियां वंड दिओ, बाद च देखी जाऊगी कोई कोर्ट कूट चला जाओ देखांगे, बाद च देखांगे कोर्ट दे नां ला देंगे कि असीं तां देती सी जी, देखो साडी नीच कोई खराबी नहीं, इह तां कोर्ट ने रोक लिया। केंद्र सरकार दी 9 साल दी प्राप्तियां नूं पंजाब विच लोकां तक पहुंचाउण लई भाजपा वल्लों शुरू कीती गई महाजन संपर्क मुहिम तहत भलके गुरदासपुर दे दाणा मंडी विच भाजपा वल्लों एक वड्डी रैली कीती जाएगी, जिस विच देश दे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होणगे। रैली स्थान उत्ते सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लैण लई SSP गुरदासपुर दायमा हरीश कुमार पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि इस रैली लई सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल जो VVIP रैली होनी है दाना मंडी में, उसके लिए हमने जो सुरक्षा प्रबंध है बहुत ज़्यादा कड़े करे हुए हैं। इसमें हमें बाहर से भी फोर्स मिली है और बाहर से ऑफिसर्स भी जो हैं वो हमें मिले हैं, तो उनको हमने ड्यूटी पर डिप्लॉय किया है और हम इंश्योर करेंगे कि ये एक हैसल फ्री इवेंट फ्री जो है पूरी रैली है। कितनी फोर्स? अप्रॉक्सीमेटली 1700 बंदे हम लगा रहे हैं ड्यूटी पर। बाहर के जिले तो भी फोर्स मंगाई गई है जी अपने पंजाब रेंज दफ्तर से भी सानू फोर्स मिली है, तो हेडक्वार्टर तो भी सानू फोर्स मिली है और बाकी ऑफिसर्स भी मिले हैं बाहर, तो उन्होंने सर असं डिप्लॉय कर रहे हैं सुरक्षा ड्यूटी से। हाँ, रूट डिवर्जन ताकि लोगों को भी सहूलियत रहे, लोगों को पता भी रहे, असी न्यूज़पेपर्स और थ्रू मीडिया जो है वो भी दे देंगे जेडे रूट डाइवर्जन से उस बारे लोगों को जानू भी करा देंगे। लुधियाना विच CMS कंपनी विच तकरीबन 6 करोड़ रुपए तो वध दी लुट दी सनसनीखेज वारदात नूं अंजाम देण वाली घटना दी मास्टरमाइंड मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना नूं आखिर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इस दी जानकारी खुद DGP गौरव यादव ने दी है। उन्हें कहा कि लुधियाना पुलिस अते काउंटर इंटैलीजेंस यूनिट ने उत्तराखंड तो भगौड़ी मनदीप कौर उर्फ मुन्ना अते उसके पति जसविंदर सिंह नूं गिरफ़्तार किया। इस दे नाल ही पुलिस ने CMS कैश रॉबरी केस नूं हल किया। इस तों पहलां पंजाब पुलिस ने उसनूं खुला चैलेंज दिता सी। लुधियाना पुलिस ने सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट पा के लिखा सी कि मनदीप कौर और मोना ते जसविंदर सिंह तुसी जिन्ना तेज भज सकदे हो भज लवो, पर तुसी बच नहीं सकदे, तुहानू जल्द ही पिंजरे विच पाया जाएगा। जिक्रयोग है कि मनदीप कौर और मोना ने कंपनी के कर्मचारी मनजिंदर मनी नाल मिलकर लुट की पूरी वारदात को अंजाम दिता सी, जिस विच मनदीप का पति जसविंदर सिंह अते उसका भरा भी शामिल सी। मोगा के भीड़ भड़के वाले बाजार रामगंज मंडी में दिन दहाड़े 5 नकाबपोश नौजवानों वालों एशियन ज्वैलर्स उत्ते काम कर रहे कारोबारी परमिंदर विक्की नूं गोली मार के मौत दे घाट उतार दिता गया सी। इस मामले में पीड़ित परिवार नाल दुख सांझा करन लई पहुंचे अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि दिन दहाड़े कातल होना मंदभागा ते जिम्मेवारां नूं सख्त सज़ा मिलनी चाहीदी है। उन्हां इस मामले में सरकार की कारगुजारी उत्ते भी सवाल चुके ने। सब तो पहला तो मैं एक बहुत ही मेहनती यंग 45-47 साल की उम्र से जिन्होंने मेहनत करके बड़ी सख्त मेहनत करके हिम्मत करके आप दी बिजनेस कम्यूनिटी से स्वर्णकार भाईचारे से आपका नौ बनाया सी, इस मोगे जिले से आपका नौ बनाया, उन्होंने जिहड़ा डे लाइट मर्डर होया जिथे मैं उन्होंने परमिंदर जी विक्की जी जिन्हों प्यार विक्की जी कहते सन उन्होंने समुचे परिवार न नौजवान बच्चे नाल उन्होंने बेटी नाल उन्होंने धर्मपत्नी नाल उन्होंने समुचे परिवार नाल भरा नाल जिथे असी दुख सांझा किया, मैं समझदा कि इस तो अफसोस की गल कि हो सकती है कि जिहड़ा बंदा मेहनत करके पंजाब सरकार नू टैक्स अदा करता होवे, वन ऑफ द एक सब तो वध टैक्स अदा करने वाले चो होण, मेहनत करके आपदी रोटी खा रहे सी, आपदे बच्चों की परवरिश कर रहे सी, हले जिंदगी का लम्मा समा उन्हां दा रहिंदा सी, 45-47 साल कि उम्र होंदी, मगर जो कार्रवाई गवर्नमेंट की रही है
अज तक चीफ मिनिस्टर साहब का या चीफ मिनिस्टर बिकॉज होम मिनिस्टर वो आप ने उन्होंने वालों परिवार नाल कोई संपर्क नहीं साध्या गया। फरीदकोट पुलिस ने पिछले दिन हुए एक कतल के मामले में पांच मुलजमान को काबू करने का दावा किया है। पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसा कि बलजीत सिंह नामी व्यक्ति के कतल के मामले में कुल पांच मुलजमान को काबू किया गया जिन्होंने रंजिश से चलद बलजीत सिंह का कतल किया उसकी लाश में सूए में सुट दिता। एक ना डेड बॉडी लवारस मिली थी अनक्लेम डेड बॉडी साढ़े इतने सूआ नंघता है गेट नंबर 28 मुक्तसर तो अनक्लेम डेड बॉडी होने करके फिर जदों तफ्तीश शुरू की थी जो बहुत गहराई नाल पता लगा कि भी एक पहला तो शनाखत कराने काफ़ी क्वेश्चन बाद पता लगा कि ये डेड बॉडी है जी बलजीत सिंह है सानू बलविंदर सिंह वासी पिंड चक सैदों के यदि उम्र करीब 31-32 साल से ते जो शनाखत कराई वो भरा जसकरण वालों मुकदमा दर्ज किया 17 नंबर FIR नंबर 17 डेटेड है 18/5/23 302/201/120/148-149 IPC ते तफ्तीश शुरू करने तो बाद जो वाइफ ने दसिया बलजीत सिंह की वाइफ ने उन्हें शक जाहिर किया कि जिहड़ा चमकौर सिंह है फौजी सौदागर सिंह चमकौर सिंह तो सौदागर सिंह से शक जाहिर किया। चमकौर सिंह नो पुछगिछ लई बुलाया 14 तरीक नो फिर वो मन गया मजीद पुछगिछ वो मन गया कि भी हाँ ये कतल असी किया है मेरे नाल गुरपाल सिंह रविंदर सिंह अर्शदीप अर्शी ते एक लेडी भी है सिमरप्रीत कौर उन्होंने अं गिरफ्तार कर चुके हैं। एक फौजी है इन्हों सौदागर सिंह वो यूनिट अपनी वापस चले गया सी ये वारदात को अंजाम देने तो बाद महकमे में आप पत्राचार कर रहे हैं। बटाला के पौशे इलाके धर्मपुरा कलोनी में एक कॉलेज प्रोफेसर नाल लुटखो हुई मोटरसाइकिल उत्ते आए तीन नकाबपोश नौजवानों वालों इस वारदात को अंजाम दिता गया। इस बारे जानकारी दिंदे कॉलेज के प्रोफेसर नरेश प्रभाकर ने दस्सिया कि रोजाना की तरह अपने घर के नेड़े पहाड़ी गेट बटाला तो तकरीबन 5:30 बजे सवेरे पालतू कुत्ते सैर लई बाहर लेके गया धर्मपुरा कलोनी सरकारी स्कूल नेड़े पहुंचा तो राह में मोटरसाइकिल उत्ते सवार तीन नकाबपोश नौजवान ने उस राह में रोक लिया ते दातर ते पिस्तौल दिखा के कहा कि कोई सेवा पाओ ते उस दीयां जेबां फरोलनियां शुरू कर दित्तियां। उसने कहा कि उसकी जेब विच तकरीबन 1000 रुपए सी ते वो पैसे ते सोने की मुंदरी लेके फरार हो गए। मेरा नाम नरेश प्रभाकर सानू श्री सोनला शर्मा की घटना ही दर्द मेरी घटना ऐसा हुई कि मैं सवेरे ना अपने डॉग नूं सैर करा के वापस आ रहा ही 5:40 दे कोल गवर्नमेंट स्कूल दे लागे मगर उत्थे कोई बंदा ना बंदे ही जात तीन मोटरसाइकिल वाले आए दे निकाब पोषण किया था ही अपना मूँह तो एक दो को मैं दातर से तो एक कोल है ही अपना रिवॉल्वर से ठीक है जी मोटरसाइकिल जोड़ा है ही वह मैं कि टुटा जहा मोटरसाइकिल ही ठीक है टुटा जहा मोटरसाइकिल से उतरे ने तो पहला मैं पेंद्र ही गल कहते कुछ सेवा पाओ मैं सेवा पाओ इन्हें जो मेरी जेबा फुल जल की जेबा फुल जल की तो मैं कि एक जेब जो मैं निकलिया 1,060 रुपये तो एक ने कहा जी अपनी मुंदरी लाओ तो मुंदरी दिखी नहीं उन्हें कटर पा के मुंदरी कटी मेरी तो कड़ा मैनू कहते लाओ जी कड़ा मैं मेरे हाथों ला के लै गए इन जो शेर मुई मुंदरी ना ये भी लैन फिर ही तो लेकिन वो पता नहीं की होया कहता रहन दो उस चल पंजाबी अदाकारा निशा बानो के परिवार उत्ते दुखों का पहाड़ टुट गया। दरअसल निशा बानो के पिता का देहांत हो गया। दसाया जा रहा है कि निशा बानो के पिता काफ़ी लंबे समय तो बीमार सन हाल ही में निशा बानो के पिता को सपुरदे खाक कर दिया गया जिस दिन वीडियोज़ से तस्वीर सामने आई ने जिन्हें अदाकारा के परिवार का रो रो के बुरा हाल होया वेखन मिल रहा है। इसे दौरान निशा बानो भी पिता की अर्थी वेख के बेसुध हुई नजर आई और लगातार प्यो की मौत उत्ते विरलाप कर रही थी। निशा बानो की अजि हालत वेख के हर अख मौके पर नम नजर आई। काफ़ी तकरीबन लंबे समय तो उन्होंने थोड़ी जी प्रॉब्लम सी बीमार चल दे रहे थे पर फिर भी ठीक से मैं हफ्ता पहला ही उन्होंने मिल के गया
तो काफ़ी ज़्यादा नेचर बहुत वधिया इन्ने सुभा नेक सुभा दे सीगे वो एक पहले बीमारी लंबे समय तक बीमार से चल रहे थे उदे करके वो बीमार हो गए। सानू इस गल का अफसोस है पर कुदरत दे अगे या अल्लाह ताला दे अगे किसी का जोर नहीं है। बहुत नेक इंसान सन बहुत अच्छे सुभा के मालिक से बड़े नरम ते दयालु पुरश से कौन कौन परिवार परिवार से इन्हों की वाइफ से यह सी निशा बानो तो बाकी इन्हों का बेटा बेचारा वो पहला इंतकाल उन्होंने हो गया सीगा। यह भी एक बड़ी त्रासदी वाली गल सी कोई बेटा सी इन्हों का तो इन्हों की मेरे ख्याल नूँह भी है चौदह बच्चा भी एक है वो इतने ही रेंदे सी इन्हों ही रेंदे ने तो बहुत वधिया फैमिली असं कह सकते हैं सारे ना प्यार मुहब्बत बड़ा वधिया भाईचारे के बड़ा वधिया सन्मान सीगा इन्हों का। दिल्ली के गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा संतगढ़ में बच्चों को गुरमत सिखाने लिए कैंप लगाया जा रहा है। इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबर बीबी रणजीत कौर ने शमूलियत की। उन्हें कहा कि गुरमत कैंप में बच्चों को गुरमुखी के नाल गुरमत बारे दसा जा रहा है। इस मौके उन्हें कहा कि गुरद्वारा सिंह सभा संतगढ़ वालों किया उपराला शलाघाजोग है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा संतगढ़ विखे 5 जून तो जो छोटे बच्चे ने जिमें छुट्टियां आदि बच्चों दिया तो गुरमत कैंप चलाए जा रहे हैं। गुरमत कैंप के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं जिदे पंजाबी सिखाई जा रही है। पंजाबी के नाल नाल उन्होंने गुरबाणी के नाल जोड़ा जा रहा है जिस तरह जपजी साहब का पाठ सिखाया जा रहा साखियाँ सिखाई जा रही ने और शब्द कीर्तन भी सिखाया जा रहा ताकि बच्चे अपने विरसे जुड़ सकन। तो यह उपराला जरा संतगढ़ गुरुद्वारे की कमेटी वालों है और नाल ही सिंह स्टडी सर्कल के साथ भैन जी मनमोहन कौर जी ने पिछले साल भी इन्होंने बहुत सोहने कैंप का उपराला किया। सानू इस गल की खुशी है कि पहले आप 3 कोआर्डीनेटर से बीबिया से सारिया तो हूँ साढ़े 11 कोआर्डीनेटर ने सारिया बीबिया ही है उपराला कर रही हैं तो सहयोग है गुरुद्वारा सिंह सभा संतगढ़ का जेडे कि बच्चों रोज़ रिफ्रैशमेंट भी देंगे तो बच्चों का पूरा खाण पीन का अरेजमेंट भी करते हैं। तो इस करके शाम के टाइम इतने गतका सिखाया जाता है जिद बच्चे अपना मार्शल आर्ट जो कि शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है वो जिमें बच्चिया साढ़े को आ रही ने तो उन्होंने गुप्त शस्त्र विद्या भी सिखाई जाएगी क्योंकि समय की मांग है और समय की जरूरत है कि यह चीज़ा असं जरूर सिखाइए बच्चियों खास करके। तो यह जो उपराला है इस करके किया जा रहा और एक चीज़ मैं होर दसना चाहवागी कि साढ़े आ बच्चे जिम्मे छुट्टियों तो कर ही रहे हैं चीज़ा सीख रहे हैं असं पूरे साल का प्लैनर बना लिया है कि हर सैकेंड सैटरडे हर मंथ बच्चों कोई ना कोई यहोजी एक्टिविटी कराई जाएगी बच्चों दसया जाएगा कि दसवंध का की महत्व है बच्चों ने भी दसया जाएगा कि सेवा किमें करनी है। असी सारा प्लैनर बना के बच्चों को कभी असं गुरुद्वारे लेकर जावे या फिर असं बच्चों कोई यहोजी एक्टिविटी करावे एजुकेशनल एक्टिविटीज जिंदा कि बच्चे जुड़े रहन और गुरु और गुरबाणी ने। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन अज लिए इन्ना ही जाते नज़र मारते हैं मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के धन्यवाद।